सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। आज हम आपको तांती और तांतवा जाति के लिए वीडियो बनाने वाले थे और देखिए आयोग नोटिस जारी कर दिया है आप लोग के लिए, खुशखबरी है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC JEE 2019 रिजल्ट अपडेट, तांती तांतवा जाति के लिए फिर से काउंसलिंग होगी, ऑफिशियल नोटिस जारी, जल्दी से जानिए पूरी जानकारी। तो दोस्तों आज इस पर हम वीडियो बनाने वाले थे बट समय के अभाव में नहीं बना पाए और देखिए आयोग नोटिस जारी कर दिया है, आप लोग को फिर से काउंसलिंग होगी। तो चलिए नोटिस पहले डाउनलोड कर लेते हैं और नोटिस के माध्यम से ही आपको बताते हैं जो नोटिस में क्या दिया गया, आप लोग को कब से काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों देख लीजिए डेट 30/10/2024, बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19 हार्डिंग रोड पटना। आवश्यक सूचना देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 01/2019, कनीय अभियंता और सैनिक यांत्रिक और विद्युत के पदों पर चयन के संबंध में, तो आपके सामने में लिखा हुआ है, हर चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश एवं तथा लोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के प्रतांक 11 न्याय 73/2024। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब आपको नंबर दिया गया है, दिनांक 12/8/2024 द्वारा बिहार गजट में प्रकाशित परिपत्र के अनुसार तांती तांतवा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 33 पर पुनः स्थापित किया गया है। विज्ञापन संख्या 01/2019 में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति आरक्षण कोटि के अधीन पान, देखिए जाति का नाम आपको देख लीजिए, पान स्वासी पानर जाति का दावा करते हुए जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया था, ये द्वारा शिक्षा प्राधिकार के स्तर से दिनांक 12/8/2024 के बाद नए सिरे से निर्गत जाति प्रमाण पत्र किमलियर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अपेक्षित है। इस कर में निर्देशित किया जाता है कि, अब देखिए आपको ध्यान से देखना है, पहला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटि के अंतर्गत तांती तांतवा जाति के अभ्यर्थी गण सक्षम प्राधिकार के स्तर से दिनांक 12/8/2024 के बाद निर्गत किमलियर रहित प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ये आपको 12/8/2024 के बाद, ठीक है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है और वो आपको क्या करना है, अपलोड करना है। दूसरा दिया है, साथ ही वैसे सभी अभ्यर्थीगण जो पान स्वासी पानर जाति से आते हैं, नए सिरे से सक्षम प्राधिकार के स्तर से दिनांक 12/8/2024 के बाद निर्गत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए किमलियर का मतलब हो गया, आपको पता होना चाहिए, जाति आय निवास तीनों बनाएंगे उसके बाद आपको किमलियर बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। तो ये आपको 12/8/2024 के बाद होना चाहिए। उसके बाद इसके लिए आपको देखिए पान स्वासी पानर जाति के लिए तो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र ही काफी है, आयोग के पोर्टल पर आपको, ठीक है, अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। आयोग का पोर्टल खुलने का समय एवं तिथि के संबंध में पृथक रूप से सूचना शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। आयोग द्वारा निर्धारित अवधि तक किमलियर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जो लागू हो अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। नोट, ऑनलाइन पोर्टल के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से यथा ईमेल रजिस्टर ठीक है पोस्ट कुरियर आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्र जमा करने पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुन लेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप फिर से आप हमें कॉल करेंगे, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी स्टूडेंट है, जाति आय निवास आपको बनाना है, ये कब का होना चाहिए, 12/8/2024 के बाद होना चाहिए, ये तीनों बना लीजिएगा तब आपको किमलियर बनेगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये तीनों आप लोग अपलोड करेंगे तब आपको किमलियर सर्टिफिकेट बनेगी। उसके बाद जो है देख लीजिए यहाँ पे स्वासी, उसके बाद यहाँ पर पान स्वासी और ये पानर जाति से जो आते हैं इनको सिर्फ जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ये अभी अलग से आपको सूचना जारी किया जाएगा, अलग से आपको सूचना जारी किया जाएगा, ठीक है। पोर्टल कब खुलेगी वो आपको समय दिया जाएगा, ये हो सकता है छठ पूजा के बाद आपको दिया जाए, समय आपको दिया जाएगा क्योंकि आयोग को भी पता है तो इसलिए समय आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है समय आपको नहीं दिया जाएगा, समय दिया जाएगा क्योंकि आयोग को पता है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बनाए होंगे, समझे। तो इसीलिए उसी हिसाब से आपको इसमें जो है
समय नहीं दिया गया है किस डेट में आपको पोर्टल खुलेगा और किस डेट तक खुला रहेगा, इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया गया, अलग से नोटिस जारी किया जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट देख लिया आप फटाफट नहीं बना है तो कल के डेट में आप अप्लाई कर दीजिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, फिर से हम फ्रेश वीडियो आपको बना देंगे। तो समझ में आ गया, हम आपको बोले थे, आप लोग जो सवाल कर रहे थे, कॉल मैसेज कर रहे थे, हम बोले थे ताती और चतमा जो है ना चतमा जाति के लिए हम एक वीडियो फ्रेश बनाएंगे, और हम बोले थे आप लोग के लिए फिर से काउंसलिंग होगा या अपलोड करने के लिए कहेगा, देखिए आया कि नहीं आया। तो मेरे द्वारा कभी गलत आपको नहीं बताया जाता, जो भी बच्चा हमें फोन किए थे हम सबको बोले थे जो आप लोग के लिए ऑप्शन आएगा आप लोग के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, दिया ना ऑप्शन, तो ऐसे कैसे आपको रिजल्ट जारी कर देगा आयोग, सभी स्टूडेंट को देखते हुए उसके बाद जो है आयोग रिजल्ट जारी करेगा, इसके बाद ये सब क्लियर हो जाएगा तब आपको रिजल्ट आएगा। तो चलिए फिर से जो है आप लोग अगर मन में कमेंट, ठीक है, मन में अगर सवाल होगा तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, फिर से हम आपको फ्रेश वीडियो बना देंगे। अभी जो अपडेट आई है ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और पिक्सेल पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जैसे ही पोर्टल खुलने के लिए नोटिस आएगी सबसे पहले चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू।